फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद आरके। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज है 30 जनवरी 2023। तो इवनिंग का समय है, आज कुछ भी मॉर्निंग से ब्लॉग शूट नहीं किया और आज का दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था और मौसम भी अच्छा था। बस किन्नौर में जो है इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है ना दो दिन से, कि घर में जो हमारी गाड़ी वगैरह है ना पूरा मतलब ढकी हुई थी, जो है खोद खोद के गाड़ियों को निकाला है, सब कुछ एकदम कवर हो चुका था। तो मम्मी डैडी ने जो है वीडियो कॉल में दिखाया और क्लिप वगैरह फ़ोटोज़ नहीं इतना क्लिक कर पाते हैं, तो इस चक्कर में कुछ भी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाई हूँ। अगर जब भी आएगी ना डैडी अगर भेजेंगे तो मैं जो है आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वहाँ के नज़ारे, जो बर्फ़ में यहाँ से देख के तो बहुत बढ़िया लगता है कि वाह कितना कोजी कोजी, कितना मस्त लग रहा होगा। लेकिन ना वो बस देखने में ही अच्छा है, यहाँ से लगता है कि यार वहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन वहाँ पर 4-5 दिन के बाद लगता है भागो, क्योंकि ना फिर थोड़े दिन के बाद बोरियत फील होने लगती है, बर्फ़ ही बर्फ़, और एकदम ऐसा लगता है कि हम बंध गए हैं। बट हाँ, थोड़े बहुत दिन के लिए बहुत बढ़िया लगता है। अभी तो मेरा मन हो रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ से गायब होके वहाँ चली जाऊँ सीधा और बर्फ़ बर्फ़ इंजॉय करें अच्छे से। तो आज जो है हमारी गुड्डू राम, देखो इसको इसको ना ऐसे खुजली होती है, तसल्ली नहीं रहती है कि मैं कैसे रह गई, मुझे क्यों नहीं आया। नमस्ते बोल दो बेटू, बोलो वेलकम बैक टू माई चैनल, अच्छे से बोलो जैसे चेरी बोलती है। माय चैनल क्या नाम है हमारे चैनल का? फोटो फोटो नहीं, हमारे चैनल का क्या नाम है? व्लॉग विद आरके छोटू नेदी। देखो चेरी ने क्या क्या बना दिया, देखो ये क्या बनाया है बताओ। अच्छा अच्छा ये दुकान हमारे गुड्डू के ऐसे ही लगी रहती है। पढ़ाई कर ली चेरी ने? हाँ। और नेबुलाइज तो लिया नहीं है? हाँ, लिया है। कब लिया है? बैठो नेबुलाइज दूंगी। हैं दिखा रही है कैसे चेरी की छाती जाम है गोबरी गोबरी। चलिए गोबरी क्या होता है? मटकोन है ये, मटकोन। हस्बैंड नहीं है तो टीवी में देखो क्या बोरिंग चल रहा है, जिसको कोई नहीं देख रहा, बस ऐसे ही चले जा रहा है। चेरी अपना इधर बिजी है। A few moments later. ये देखो कितने मन से जो है चेरी किचन जो है साफ़ कर रही है कि मम्मा मैं करूँगी सारे काम। बहुत ज़्यादा परेशान करती है कसम से यार, हर चीज़ में बीच में घुसती है, मैं करूँगी मैं करूँगी। कमेंट करके बताइए किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं। क्या बनाया है आज? हा? क्या बनाया है मम्मा आज? राजमा। सही से बताओ मुझे। राजमा। अच्छा दिखाओ। आप छोड़ दो, मैं रुको। ये देखो राजमा बनाया है आज, है ना? आपने बनाया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। The next morning. और मैं ड्यूटी जा रही हूँ। Later that same evening.
देखो हम मिल रहे हैं आपको इवनिंग में। और चेरी पटेल आ चुकी है। क्या खाऊं? बॉडी। बॉडी क्या होता है? कौन खाता है भाई बॉडी? ऐसे ऐसे होता है बॉडी। ऐसे ऐसे होता है। हाँ। खिला दो खिला दो। नहीं आप। हाँ बेटा मैं ही खा सकती हूँ बॉडी। बॉडी बूटी नहीं खाते हैं। हैं? बॉडी मुझे खिला दिया। हाँ तो आप मुझे क्यों खिला रहे थे? आ रही हूँ चेरी के लिए। मस्त मस्त सी चीज़ बन गई है, अच्छी सी है ये। इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ कभी और शेयर करेंगे। यहाँ देखो भाई चेरी रेडी हो चुकी है नई नई करके। और मैं भी चेरी ला रही हूँ। हाँ, और अब क्या करेगी चेरी? अब मैं छोड़ी। दवाई पियेंगे और सो जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का दिन होता है खत्म। रात का बज गया है 11। चेरी ने नहा धो लिया है। बढ़िया, मैं रेडी हो गई। और अब बस चेरी की ना अभी तक कैल्शियम की दवाई चल रही है, जो कैल्शियम इसका करीब 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था जो नीज की प्रॉब्लम थी उसके लिए। तो अभी जो है डोज काफी ज्यादा कम हो गई है, अल्टरनेट चल रहा है। सो जाए अब? नहीं अभी चेरी दवाई पिएगी। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक बहुत ही मस्त वाला टॉपिक सोचा है, तो बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप लोग। और जो है चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। ओ ऐसी खांसी हो रही है, आवाज सुनी ना आप लोगों ने? ऐसी खांसी हो रही है, इसलिए इसको इतने दिनों से जो है स्कूल नहीं भेजा था, सिर्फ इस वजह से। बट अभी काफी ज्यादा रिलीफ है। तो चेरी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और चेरी अब स्कूल भी जा रही है। किसने लगाई? मैंने नहीं। झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने क्या बोला था? सच बोलना चाहिए हमेशा। अब सच बोलो। बिल्कुल सच। मम्मा से प्रॉमिस किया था ना आपने, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। बोलो जल्दी, सच्ची सच्ची बोलो। अच्छा बच्चा है चेरी, जल्दी बोलो। सच बोलो, सच, बिल्कुल सच। हाँ सच बोलने से कुछ भी नहीं होता है। सब लोग बोलेंगे वाह चेरी तो गुड गर्ल है, चेरी तो हमेशा सच बोलती है। सच बोलो। सच बोलो। अब किसने किया है ये? हाँ चेरी ने किया था ना। कोई बात नहीं है ना, चेरी से गलती से ही हो गया था। चलो ठीक है, फिर बाद में ब्लॉग एंड करें। एंड करें, एंड एंड एंड। हाँ 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 हाँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।